गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने इस फोटो को कैसे एडिट किया है और पिक्सआर्ट के ड्रॉ टूल में शेडो बनाने का एक नया ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बिना स्किप किए आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो मेरा नाम है नील मुखर्जी, आप लोग देख रहे हैं एनिम एडिटिंग। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस हमेशा की तरह इस बैकग्राउंड को पहले हमें पिक्सआर्ट पर ऐड करना होगा। तो यहाँ से शेयर करके इसको सिंपली पिक्सआर्ट पर ऐड कर लेते हैं। मैं इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। अब सीधा ड्रॉ टूल पर चलते हैं। तो पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब लेयर पर जाना है और ऐड फोटो में जाके इस पीएनजी को ऐड कर लेना है। इसको यहां पर रख देते हैं। अब डन कर लेते हैं। अब एक एम्प्टी लेयर सिलेक्ट करना है। इस एम्प्टी लेयर के कलर को ब्लैक रखना है। इसको मिडिल पर रखना है। अब इस लेयर को सिलेक्ट करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई। अब थ्रेडर पर क्लिक करना है और इसको मर्ज कर देते हैं। ये जो ऊपर का दो लेयर था वो मर्ज हो चुका है। अब इस लेयर के ऑपेसिटी को थोड़ा कम करना है, इसको 45 रखते हैं। अब एक और एम्प्टी लेयर ले लेना है और फिर से पीएनजी को ऐड करना है जो हमने कट आउट करके रखा था। मैंने इस फोटो का बैकग्राउंड को पहले से ही इरेज करके रखा है ताकि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो इसको पहले ठीक कर लेते हैं, उसके बाद में हम शैडो को एडजस्ट करेंगे। इतना ठीक है। अब फिर से लेयर पर जाना है और शैडो को लेयर को सिलेक्ट करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाना है। अब शैडो को ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया। अब ये ठीक है, अब यहाँ से डन कर लेते हैं। तो गाइस पिक्सआर्ट पर हमारा काम तो हो चुका है, अब इसको लाइटरूम पर थोड़ा एडिट करना होगा। इस फोटो को हमें लाइटरूम पर ऐड करना होगा। तो यहाँ से शेयर करके इसको लाइटरूम पर ऐड कर लेते हैं। ये रहा लाइटरूम। सो गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो पहले इस ब्लर टूल पर जाना है और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसको 7 रखते हैं और हाइलाइट्स को थोड़ा कम कर देना है। हाइलाइट्स को -10 रखते हैं और शैडोज को थोड़ा बढ़ा देना है, इसको 11 रखते हैं और वाइट्स को थोड़ा कम करना है, इसको -2 रखते हैं और ब्लैक्स को भी थोड़ा कम कर देते हैं। इसको 19 रखते हैं। अब कलर पर चले जाना है
और विब्रेंस को थोड़ा बढ़ा लेना है। विब्रेंस को प्लस 10 रखते हैं। अब मिक्स पर चले जाते हैं और ऑरेंज को सिलेक्ट करना है और ऑरेंज के सैचुरेशन को थोड़ा कम करना है। इसको -14 रखते हैं और लुमिनस को थोड़ा बढ़ा देना है। इसको भी +14 रखते हैं लुमिनस को। अब येलो पर चले जाना है और येलो के सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है। इतना ठीक है। अब ग्रीन पर जाना है और ग्रीन के सैचुरेशन को एकदम कम कर देना है। अब यहाँ से डन कर लेते हैं। अब इस ब्लर टूल पर जाना है और क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ा देना है। इसको 25 रखते हैं और डीएस को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको +10 रखते हैं और विंगनेट को थोड़ा कम करना है। विंगनेट को -10 रखते हैं, उससे ज़्यादा कम नहीं करना। और फेदर को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इतना ठीक है। अब इस ब्लर टूल पर जाना है और शार्पनिंग को थोड़ा बढ़ा देना है और शार्पनिंग को 36 रखते हैं और कलर नॉइस रिडक्शन को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इसको 20 रखते हैं और कलर नॉइस रिडक्शन को भी 20 रखते हैं। तो गाइस हमारा फोटो अब पूरी तरीके से एडिट हो चुका है। मैं आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ। तो पहले हमारा फोटो ऐसा था और लाइटरूम पर एडिट करने के बाद ऐसा हुआ है। अब शेयर पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर एडिटिंग का वीडियो लाता ही रहता हूँ। और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई एडिटिंग का वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए गाइस, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आप लोगों ने इस तरीके का फोटो एडिट किया तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग कीजिएगा ताकि मैं भी देख पाऊँ। और गाइस प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके सबके साथ शेयर कीजिएगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे भी 10 गुना अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।